सर्दियों के मौसम में एक बात तो है दोस्तों कि खाना जो भी हो बस डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। स्वागत है दोस्तों दगड़ियाओं आप सभी का। ये है तोर की दाल दोस्तों, और इससे मैं बनाऊंगी आज भरवे पूरी, क्योंकि ऐसे मैं बनाती थी इसके पराठे लेकिन आज घी ख़त्म था, मतलब इतना नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि चलो आज इसकी पूरियाँ ही मैं बनाती हूँ। तो चलो दगड़ियाओं फिर मैं बनाऊँ छो पूरी, पहल बार ये पूरी मैं बनाऊँ छो। तो ये थे मेरे पीसियाल सिल बटर में लिए थे पिसण से, और सुबह सुबह ना वैसे तो बहुत आलस आता है लेकिन जब उठ जाओ ना एक बार और काम पे लग जाओ तो बस पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है और फुर्ती आ जाती है। और मैंने कभी मतलब ये वाली दाल के पूरियां नहीं बनाई तो मुझे था कि कैसे बनेगी, लेकिन दोस्तों दगड़ियाओं इतनी अच्छी बनी, फुली फुली सी और बहुत टेस्टी हो रही थी। तो वो तो कन पता चालल तुम तो मिथे पता चालल के टेस्ट होनी चाहिए, और आप बना के देखें एक दिन। तो मतलब मैंने तो नहीं बनाई इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्या पता आप बनाते होंगे। तो वैसे मैं आलू की पूरी बनाती हूँ, चने की दाल होती है उसकी बनाती हूँ, गैद के भी बनाती हूँ, ऐसे ना पूरी जैसे पूरा भरवा बोलते हैं ना इसको। तो लेकिन मैंने तोर की दाल की पहली बार बनाई, सो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए। और दोस्तों आजकल ना इधर उधर आना जाना नहीं हो रहा है, सो इस फ़ोन की वजह से मेरा मन नहीं होता ज़्यादा वीडियो कैप्चर करने का, और फिर मैं ऐसे ही आजकल बस वीडियो बनाती हूँ। मन भी नहीं होता सर्दी में वीडियो बनाने का, बस यही हो रहा है खाना पीना सोना, और दिन में बस अपनी शॉर्ट रील्स बनाती हूँ जिसका मुझे बहुत शौक है, उछलने कूदने नाचने गाने का। सो बस ऐसे ही एंटरटेन हो रही हूँ आजकल, सो बोरिंग हो जाते हैं व्लॉग्स, बोरिंग हो जाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सो यहाँ पे बस लास्ट चल रहा है मेरा, अपने लिए बना रही हूँ मैं, और बहुत सारी पूरियाँ बच भी गई थी जो बाद में बच्चों ने खाई क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगी थी। सो बस अब पूरा किचन जो फैला हुआ है उसको मैं समेटूंगी, और बस कुछ और कैप्चर किया नहीं मैंने। और फिर अभी हो रही है दोस्तों शाम, और फिर मैंने उठा लिया था कैमरा कि क्या कैप्चर करूँ। सो बस अभी मैं ये वाली कुर्ती, बहुत पुरानी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुरानी, लेकिन जब ज़्यादा ठंड होती है तो मैं इसको ही पहनती हूँ, और अभी तक वैसी की वैसी है ये। सो अभी मैं जा रही हूँ अन्नू के साथ मार्केट, और मौसम देखो इतना ठंडा हो रहा है। सो बज रहे हैं 4:10, सो अन्नू भी रेडी हो गया है, सो हम जा रहे हैं मार्केट। और आज मार्केट जाने का रीज़न है दोस्तों, अन्नू से मैंने प्रॉमिस किया था, आजकल उसके टेस्ट चल रहे थे ना तो टेस्ट सारे हो चुके हैं, सो मैंने कहा तेरी मैथ्स में अगर 40 out of 40 आ गए तो मैं तुझे स्टार दिलाऊंगी। हालांकि एक था उसके पास लेकिन उसको एक नया लेना था, सो हम इग्नोर कर रहे थे मैं और गिरीश जी इसके पापा, लेकिन उसको बहुत शौक है ये सब सूज वगैरह का, मतलब अपना फुटबॉल वगैरह बैडमिंटन जो भी है। सो मुझे भी फिर मना करना नहीं आया, मैंने कहा चल तेरी इच्छा है तो दिलवा देती। उसके बाद दोस्तों मैंने जो चूड़ा दिया था लास्ट मार्केट जब मैं गई थी, तो बड़ा गुस्सा आता है जब हमारा काम नहीं हुआ होता है। सो यहाँ पे उन्होंने काट दिया, बोला कि जब आप आओगे तो एक बार कॉल कर देना, तो मैंने कहा ठीक है। और बस चुटुर पुटुर सामान लेने के बाद सीधे दोस्तों मैं जलाती हूँ दिया, क्योंकि मुझे ना घबराहट होने लग जाती है कि कहीं मुझे देर ना हुई हो, चाहे होती है चाहे नहीं होती है। और कभी मैं घर पे रहती हूँ तो देर से जलाती हूँ तब इतनी घबराहट नहीं होती है, लेकिन जब मैं मार्केट से आती हूँ इधर उधर से आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देर हो गई दिया जलाने में, शाम के दिया जलाने में। सो अंधेरा भी काफ़ी हो गया था तो मैं पहले दिया जलाऊंगी दोस्तों, और सिंपल सी मेरी पूजा होती है जैसे होती है। सो ये भी मैंने कैप्चर किया, और अभी डिनर भी बनाना है, सो फटाफट से ये मैंने आरती घुमा दी और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई दोस्तों। सो और बस दोस्तों ऐसे सिंपल सी मेरी पूजा होती है, और यहाँ पे ना मैं धागा तोड़ रही हूँ, धागा इसलिए तोड़ती हूँ कि रोज़ मैं गणेश जी पे, लक्ष्मी जी पे और सरस्वती जी पे वस्त्र समर्पयामी करके उनके लिए ये धागा तोड़ती हूँ। सो रोज़ रोज़ उनके लिए वस्त्र तो मैं नहीं खरीद पाऊँगी, और रोज़ रोज़ मैं गंगा स्नान भी करवाती हूँ ऐसे ही, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं स्नान भी नहीं करवा पाती, तो बस यहाँ पे स्वच्छ कर लेती हूँ, इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ दोस्तों। और चलो अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या खरीदा मार्केट में।
सो फाइनली दोस्तों, हन्नू को ये वाले स्टड पसंद आए जो फुटबॉल खेलता है, इससे बहुत कप से जीत कर रहा था। और उसके ना मैथ्स में मतलब फुल मार्क्स होने के लिए एक दो नंबर या कभी 9 नंबर 8 नंबर ऐसे कट हो जाते थे। इस जीन्स में भी चेन लगवाई दोस्तों, और कुरकुरे, और क्या होगा, मूंगफली। मूंगफली सर्दियों में तो इसके बिना मेरा काम ही नहीं चलता। और बस ये ख़त्म होता तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है घर में, बस ये अंडर गारमेंट्स लिए जो मैंने, और ये है मेरा क्लैचर न्यू वाला। सो मैं लगा के दिखाती हूँ उसको। सो मुझे तो दिखाई नहीं देगा, आप ही देखना कैसा लग रहा है, बताना मुझे कैसा लग रहा है। और सर्दियों की मेरी फेवरेट चीज़, गेस करो आज क्या होगा। ये मसाला तो रॉन्ग लाई, क्योंकि दुकान में चिकन मसाला नहीं था, सो मैंने कहा मटन ही दे दो। बाय। आई होप दोस्तों आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।